मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में एसआई सर्वे का काम चल रहा है 96 दिनों से। इस दौरान टीम को धड़ाधड़ प्राचीन मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है। धार भोजशाला के एसआई सर्वे से जुड़ी हुई बड़ी खबर, परिसर में 4 पौराणिक अवशेष मिलने का दावा किया गया है। भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति मिलने का दावा किया गया है। एसआई टीम ने सभी अवशेषों को संरक्षित किया है। कोर्ट ने 2 जुलाई को एसआई टीम को रिपोर्ट देनी है और हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में 4 जुलाई को सुनवाई होनी है। 2 तारीख को कोर्ट को रिपोर्ट देनी है एसआई को और 4 तारीख को इस मामले की सुनवाई होनी है। इस दौरान लगातार एक के बाद एक हिंदू और सनातन से जुड़े हुए सबूत यहां से मिल रहे हैं। साथ ही भोजशाला के उत्तरी पूर्वी भाग में कमाल मौलाना के पश्चिमी भाग में जहाँ उत्खनन और मिट्टी हटाने काम चल रहा है वहाँ 4 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 अवशेष तो सनातन संस्कृति के भोजशाला के खंभों के और दीवारों के अवशेष हैं और 1 नारायण की प्रतिमा, चतुर्भुज नारायण की प्रतिमा आज प्राप्त हुई है, जिस स्थान से 4 रोज पहले भगवान कृष्ण प्राप्त हुए थे और कल जो शिव जी प्राप्त हुए थे वहीं से आज भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला का मामला बिल्कुल वाराणसी के ज्ञानवापी जैसा है, जहां परिसर में सर्वे के दौरान सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मिल रही हैं। धार भोजशाला को लेकर क्या अपडेट है वो आपको जरा बता देते हैं एक एक करके। कोर्ट के आदेश पर धार भोजशाला में सर्वे हुआ, 96 दिन से ये सर्वे लगातार चल रहा है। एसआई की टीम भोजशाला में ये सर्वे कर रही है। परिसर में कई पौराणिक अवशेष मिलने का दावा किया गया है, भगवान की मूर्तियां मिलने का दावा किया गया है। एएसआई टीम ने सभी अवशेषों को संरक्षित किया है। 2 जुलाई तक कोर्ट में इसकी रिपोर्ट जमा करनी है और 4 जुलाई को हाई कोर्ट के इंदौर बेंच में इसकी सुनवाई होनी। धार की भोजशाला में सर्वे का काम लगातार चल रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद धार की भोजशाला के सर्वे के आदेश हुए थे, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे कर रहा है, कार्बन डेटिंग कर रहा है। अलग अलग तकनीकों और मशीनों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल यहां पर मिली मूर्तियां और अवशेष कितने पुराने हैं। भोपाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर मौजूद है, हालांकि आधिकारिक जानकारी फिलहाल नहीं दी जा रही, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अब तक 33 से ज्यादा मूर्तियां यहां पर मिल चुकी हैं, जिसमें भगवान गणेश के अलावा भैरवनाथ, मयूर पंख वाले कृष्ण जी, हनुमान जी, ब्रह्मा जी के परिवार की अलग अलग मूर्तियां और इस समेत कुल 1800 से ज्यादा अवशेष मिले हैं, जो ये स्थापित कर रहे हैं कि यहां पर हिंदू धर्मावलंबियों का एक मंदिर हुआ करता था। लेकिन इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष है उसका दावा है कि यहां पर कमाल मौलाना मस्जिद थी और इसीलिए इसको एक मस्जिद का दर्जा मिले। विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है, विवाद जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने एसआई के सर्वे के निर्देश दिए हैं और अब हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि इसमें उसकी जीत होगी, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये कमाल मौलाना मस्जिद साबित होगी। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नव भारत, भोपाल। और इसी सर्वे से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। हिंदू पक्ष के दावे पर मुस्लिम पक्ष का एतराज, सर्वे में कुछ भी पार्ट या हिस्सा नहीं मिला है ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। खुदाई के दौरान कुछ भी इंसानी हड्डियां मिली हैं, मुस्लिम पक्ष का दावा है। हड्डियों को रीति रिवाज से दफन किया गया है। सर्वे को लेकर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है, मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो दावा कर रहा है कि 2000 के करीब वहां से अवशेष मिले हैं, जिसमें मूर्तियां भी शामिल हैं, मूर्तियों के अवशेष भी शामिल हैं। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने दावा किया है कि वहां पर कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि यहां पर पहले कोई मंदिर था या सनातनियों को से जुड़ा हुआ कोई ऐसा स्थान था। किसी भी तरह का आज कोई पार्ट का टुकड़ा या हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ है और जो पिछले दिनों जो चीजें मिली है, जो अफवाहों का दौर जारी है और जो मीडिया के थ्रू उन लोगों ने भ्रामक जानकारियां फैलाई है कि ये चीज निकली वो चीज निकली, तो उसका हम शुरू से खंडन करते आ रहे हैं कि जो बाद में मलबा यहाँ पर ला के डाला गया एसआई के द्वारा उसका हमें जवाब अब तक नहीं मिला है। तो धार भोजशाला में चल रहे एसआई सर्वे में क्या क्या मिलने का दावा किया गया है वो अब आपको बता देते हैं। आपने सुन लिया कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, लेकिन क्या मिला है, जो दावा किया जा रहा है वो जरा देख लीजिए। मां महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है, भगवान गणेश की प्रतिमा मिली है,
वाग देवी की छोटी मूर्ति, बाबा भैरवनाथ की प्रतिमा मिली है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है, मयूर पंख वाले कृष्ण ब्रह्मा जी की प्रतिमा मिली है, शिवलिंग की कलाकृति मिली है, पार्वती जी की प्रतिमा मिली है और यक्ष की आकृति तलघर में हनुमान जी का मंदिर मिला है, भगवान चतुर्भुज नारायण की मूर्ति मिली है, भगवान वासुकी के सात पन वाली मूर्ति मिली है और जटाधारी भोलेनाथ का स्वरूप मिला है, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी मिली है और सनातन धर्म की आकृतियां मिली हैं। खुदाई में 1800 अवशेष मिले हैं, 1800 से ज्यादा बताए जा रहे हैं, जिसमें 550 टुकड़े बड़े बड़े आकार के हैं और पवार वंश के सिक्के के कई शिलालेख मिले हैं, खंडित चेहरे वाली संगमरमर की प्रतिमा, स्तंभ और खंभे के अवशेष मिले हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो ये चीख चीख कर दावा कर रही हैं कि यहाँ पर पहले सनातनियों का अस्तित्व था, यहाँ कोई बड़ा मंदिर था, लेकिन दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष जो है वो विरोध कर रहा है, हालांकि सर्वे का काम अभी भी चल रहा है। धार की भोजशाला का इतिहास हजारों साल पुराना रहा है। साल 1034 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण धार में कराया था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में महमूद खिलजी ने इस जगह पर मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे का निर्माण करा दिया। उसके बाद ये विवाद यहाँ से उत्पन्न हुआ। अंग्रेज इस मंदिर की देवी वाग देवी की प्रतिमा को लंदन ले गए। ये विवाद बढ़ता रहा और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर मस्जिद बनाकर इसे नमाज के लिए प्रयोग किया जाने लगा।